नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है उसके ऊपर मैं आपको व्यू देने वाला हूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें मंडे के दिन क्या देखने मिल सकता है, यानी कि 15 जनवरी के दिन हमें मार्केट में क्या देखने मिलेगा। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा मार्केट में। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने खोल रखा है बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट। बैंक निफ्टी इसलिए लिया है क्योंकि ये मेजर इंडाइसेस है निफ्टी 50 में भी और पूरे मार्केट के लिए भी। तो यहां पर आप देखोगे बैंक निफ्टी का मैंने वन डे का चार्ट खोल रखा है। वन डे के चार्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई है। यहां पर आप देखोगे अपने इस इंपॉर्टेंट 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देखने मिली है, उसके साथ साथ अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर यानी कि 47,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है, जिसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी में अब नेगेटिव ट्रेंड तो नहीं है। हाँ, पॉजिटिव ट्रेंड है, पर कितने परसेंट का पॉजिटिव ट्रेंड है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद अगर हम देख ले 4 आवर का चार्ट, तो 4 आवर के चार्ट पे क्या दिख रहा है हमें, देखो एक टॉप डाउन एनालिसिस आप लोगों को करना है बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, जिसमें हमारा आ जाता है वन डे का चार्ट, 4 आवर का चार्ट, 1 आवर का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट। देखो जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसके ऊपर एक ट्रेंड जो हमें बनता हुआ देखने मिलता है, वहीं पर देखने मिलता है कि यहां से हमें जो मार्केट का मोमेंटम रहेगा वो किस तरफ जाएगा, वो वहीं से हमें डिसाइड करने मिलता है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कुछ मूवमेंट मिलते हैं जहां पर हम छोटे पॉइंट्स को कवर कर सके, पर अगर आपको एक बड़ा मोमेंटम कवर करना है, एक बड़ा प्रॉफिट कवर करना है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम को इंपॉर्टेंस देना होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि 4 आवर के चार्ट पे क्या हुआ, तो 4 आवर के चार्ट पर आप देखोगे कि जो पहली कैंडल बनी वो अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर क्लोज देता हुआ दिखा था हमें, 50% ऊपर आके अपने लो से क्लोज देता हुआ दिखा। उसके बाद जो सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ वो बिल्कुल इनडिसीजन टाइप हमें फॉर्मेशन देखने मिला, जिसके अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम भी आए हैं। मतलब यहां पर नेगेटिव ट्रेंड तो नहीं है पर पॉजिटिव ट्रेंड भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर न्यूट्रल ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है। अगर आप सबने अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग देखी होगी फ्राइडे के दिन की, तो वहां पर भी हमें एक न्यूट्रल क्लोजिंग देखने मिली। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, तो यहां पर आप देखोगे मैं आपको दिखा रहा हूं डाउ जॉन नैसडेक, यहां पर हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने मिल रही है, जिसके वजह से इंडियन मार्केट में भी हमें एक फ्लैटनेस कंटिन्यू देखने मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देख ले 1 आवर का चार्ट, तो 1 आवर के चार्ट पर क्या व्यू बन रहा है, 1 आवर के चार्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू बन रहा है। यहां पर आप देखोगे कि एक डाउनफॉल था, फिर इसके बाद एक हमें अप ट्रेंड देखने मिला, उसके बाद एक अचानक से बड़ी रेड कैंडल और लास्ट में एक ग्रीन कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग देखने मिली, जो कि एक बुलिश हरामी टाइप कैंडल फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी के लास्ट 1 आवर के कैंडल पे। जिसका मतलब यह है कि 1 आवर के चार्ट पर एक हमें बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, पर 4 आवर के चार्ट पर हमें अभी भी न्यूट्रल दिख रहा है, जिससे यह क्लियर होता है कि मार्केट में अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है। और अगर कल के दिन हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि 47,800 के ऊपर जाता हुआ देखने मिलता है, तब तो कल के दिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेड लेने की, एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा कल मार्केट में। अदरवाइज हमें कल जो है वो कंसोलिडेशन फेज देखने मिलेगा। उसके साथ साथ अगर कल बैंक निफ्टी में मॉर्निंग डिप्स मिलती है यानी कि बैंक निफ्टी में कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को यानी कि 47,500 के आसपास अगर आपको देखने मिलता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, वहां से बाय करके चलना है, वहां से मार्केट वापस से रिकवर होगा और एक अच्छे खासा प्रॉफिट हमें देखने मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में क्या हुआ है, अब आप बात करोगे कि बैंक निफ्टी में तो स्लो डाउन है, मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, पर निफ्टी 50 में ऐसा क्या हुआ कि हमें एक बड़ा यहाँ पर अप ट्रेंड देखने मिल गया, यहाँ पर अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया और काफी अच्छे वॉल्यूम भी देखने मिल गए। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो FII और DII की बाइंग है। यहाँ पर आप देखोगे FII का, यहाँ पर मैं आपको 12 जनवरी का डेटा दिखा रहा हूँ, हमें जो टोटल बाइंग देखने मिली है FII और DII की तरफ से 12 जनवरी के दिन, वो 23,579 करोड़ की एक टोटल बाइंग हमें देखने मिली है, जिसमें से सिर्फ निफ्टी 50 में 20,869 करोड़ की हमें बाइंग देखने मिली है। इसके वजह से एक बड़ा मोमेंटम बना निफ्टी 50 में। उसके साथ साथ रिलायंस ने भी काफी अच्छा सपोर्ट दिया था निफ्टी 50 को, जिसके वजह से अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई दिया था निफ्टी 50। तो अब हमारा व्यू क्या रहने वाला है निफ्टी 50 के लिए, उसके लिए हम चलेंगे पहले 4 आवर के चार्ट पर। तो यहां पर आप देखोगे कि 4 आवर के चार्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई है। यहां पर आप देखोगे कि जो पहली कैंडल हमें ब्रेक करते हुए देखने मिली उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम थे, उसके बाद जो सेकेंड कैंडल ने एक हाई बनाया वहां पर वॉल्यूम हमें थोड़े कम देखने मिले। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर वॉल्यूम कम देखने मिले, अब वॉल्यूम कम होने का मतलब कि यहां पर स्ट्रेंथ जो थी वो थोड़ी कम हो गई। अगर ये नेक्स्ट कैंडल में अपने इस प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने मिलते, तब कल के दिन हमें एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखने मिलता और कल के दिन ही
मेरा ऐसा मानना था कि अपने इस इंपॉर्टेंट 20 2000 को भी ये टच कर लेता, पर क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो कल के दिन हमें निफ्टी 50 में भी एक कंसोलिडेशन फेस देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले 1 आवर के चार्ट की, तो 1 आवर पे अभी भी बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल फॉर्म हुआ था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल में हमें क्लोजिंग देखने मिली। पर जो वॉल्यूम है, मैं बार बार आप लोग को वॉल्यूम की बात बता रहा हूँ, देखो वॉल्यूम जो है वो बहुत मैटर करता है किसी भी चीज में, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कुछ भी हो, वॉल्यूम बहुत ही मैटर करता है सब चीजों में। तो हमेशा आप लोग वॉल्यूम देख के ही ट्रेड लीजिए। अगर जहां पर वॉल्यूम कम देखने मिल रहे है, बड़ी कैंडल भी देखने मिल रही है, तो वो एक ट्रैप है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमें क्लोजिंग देखने मिली वो ग्रीन में देखने मिली, पर अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब जो डे का हाई था उसके नीचे ही क्लोजिंग देखने मिली हमें। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्ट्रेंथ थी वो बुल्स की थोड़ी कम हो गई है। अब हमें कंसोलिडेशन फेज दिखने मिलेगा, इवन यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट भी देखने मिल सकता है, और ये 21,800 को वापस टच भी कर सकता है। पर अगर ये 21,800 को टच करता है या उसके थोड़े बहुत ऊपर ही रहता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जहां से आप बाय करके चल सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताने वाला हूं, मैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर लेके आ गया हूं। आप लोग ये किसी भी चार्ट पर अप्लाई करके देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, आपको एक अच्छा रिजल्ट ही देखने मिलेगा। यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल जब क्लोज हो जाती है, तो वहां पर हमें डे हाई और डे लो मार्क कर लेना है, जिसके बाद वेट करना है कि जो सेकेंड कैंडल होगी उसकी जो क्लोजिंग होगी अपने या तो डे हाई को ब्रेक कर दे या डे लो को ब्रेक कर दे। अगर डे हाई को ब्रेक करता है तो हमें एक अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेना है, और अगर डे लो को ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड की तरफ हमें ट्रेड लेके चलना है। यहां पर आप देखोगे कि फ्राइडे के दिन हुआ क्या, ये किसका इंपॉर्टेंट हाई बना था फर्स्ट कैंडल का, उसके बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने मिला था, उसके बाद इस कैंडल की जो हमें क्लोजिंग देखने मिली अपने इस इंपॉर्टेंट डे लो के ऊपर देखने मिली, जिसके बाद 2 कैंडल की और फॉर्मेशन हुई और यहां पर हमें फाइनली ब्रेकआउट मिला। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि कितना अच्छा हमें एक अप ट्रेंड देखने मिला था। तो फ्रेंड्स, ये चीज आप और कोई भी चार्ट पर ट्राई करके देख सकते हो, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक चीज और देखना है कि उसमें हमें वॉल्यूम भी देखने मिले। अगर वॉल्यूम देखने मिलेगा तो स्ट्रेंथ का उससे पता चलेगा, जहां से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने जो भी एनालिसिस आप लोग को दिया है वो एक स्टडी पर्पस के लिए है, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। उसके साथ साथ फ्रेंड, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है आज रात 10 बजे, कि कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक क्या हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स, रात 10 बजे आप सब तैयार रहना, वो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू।